या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुप्रभातम बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा करते हुए कवि कुल गुरु कालिदास के बारे में जानेंगे। इति काव्य भी कहते हैं, जिनमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है वो खंड काव्य कहा जाता है। उस खंड काव्य में कालिदास का सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य मेघदूतम है और दूसरा खंड काव्य ऋतु संहारम। हमें यदि कुछ रचना पढ़ने का कहा जाए या इतिहास पढ़ने का कहा जाए या नाटक पढ़ने का कहा जाए तो हमें सबसे ज्यादा रस नाटक पढ़ने में आता है, क्योंकि नाटक में श्रोता और पढ़न करता दोनों को ही आनंद आता है। वो इसे इतिहास से अलग करता है। महाकवि कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की, इसमें अभियान का मतलब होता है पहचान, शकुंतला की पहचान। ये कहानी आप जानते हैं जिसमें शकुंतला की पहचान राजा दुष्यंत, जो उसने भूल गया होता है, वो अंगूठी को प्राप्त करके उसे पुनः शकुंतला का स्मरण हो आता है। नाटक जो हमारे 10 रूपकों में प्रथम प्रकार के रूपक की श्रेणी में आता है, जिसे कहा जा सकता है कि उसके बाद प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, वीथि आदि के लक्षण बता सकते हैं, क्योंकि नाटक के जो मुख्य लक्षण है उनमें प्रथम है कि उसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक हो, उसका मुख्य रस वीर या श्रृंगार हो, उसका नायक राजा हो, प्रधान रस श्रृंगार या वीर होना आवश्यक है। और इस शाकुंतलम में प्रधान रस श्रृंगार है तथा अन्य रसों का भी यथा अवसर सुंदर परिपाक हुआ है। यह 7 अंकों का नाटक है जो नाटक के लक्षणों के लिए पूर्ण रूप से उचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि ने ऐतिहासिक कथा का परिप्रेक्ष्य लेते हुए स्वयं अपनी कल्पना के द्वारा